पीड़ित परिवार से मिले बाबूधाम ट्रस्ट कार्यकर्ता। न्यूज 9 टाइम्स, पश्चिमी चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की रिपोर्ट। चिउटहा थाना क्षेत्र के जनजाति युवती स्वर्गीय ममता कुमारी के परिवार से बाबूधाम ट्रस्ट कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। उन्होंने परिवार का हालचाल जाना और उनकी लड़ाई में उनका साथ देने का आश्वासन भी दिया। पीड़िता के भाई ने सरकार से दोषियों को गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की। उक्त मुलाकात के बाद बिहार महिला कांग्रेस की पूर्व उपाध्यक्ष मंजूबाला पाठक ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि बेटियों का दर्द कब समझेंगे नीतीश कुमार। एक बेटी की अस्मिता दिन दहाड़े लूट ली गई, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ जनजात से आने वाली एक युवती के साथ कुछ लोगों ने रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। युवती बिहार दरोगा का पेपर देने के बाद घर लौट रही थी और ऑटो चालक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया था। मंजूबाला पाठक ने कहा कि जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को खोया है, सरकार को उनके सुध लेनी चाहिए, अपराधियों को पकड़ कर फांसी दे, ऐसी सजा दे कि पूरे देश में नजीर बने। हम सरकार से परिवार को 25 लाख रुपए और एक नौकरी देने की मांग करते हैं। उन्होंने भाजपा के लोगों से पूछा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का क्या हुआ? क्या ये बातें प्रधानमंत्री वोट के लिए करते हैं? ज्ञात हो कि मंजूबाला पाठक महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर हमेशा से मुखर रही हैं। उन्होंने अपने स्तर से बच्चियों को सशक्त बनाने का विगत एक दशक से प्रयास किया है। न्यूज 9 टाइम्स।